सवाल मैं पूछूंगा, तुम नहीं। जफर तुम्हें जीने नहीं देगा। और कहां मिलेगा ये जफर? इन आंखों में और से देख, ना तो इनमें मरने का गम है ना मौत का खौफ। कोई आखिरी ख्वाहिश? क्या कहा ऋतिक ने शहनाज के बारे में? क्या शहनाज ने रखी अपने दिल की बात? हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राड स्टूडियोज में। शहनाज गिल सलमान खान के शो बिग बॉस में नजर आई थी। शो में सलमान हमेशा शहनाज को सपोर्ट करते थे। इतना ही नहीं, शो के बाद भी सलमान और शहनाज के बीच स्ट्रॉन्ग बॉन्ड दिखा। कुछ समय पहले ईद पर सलमान और शहनाज के बीच क्लोज बॉन्ड दिखा था। शहनाज सलमान को हग करती हैं और उन्हें किस भी करती हैं। इतना ही नहीं, सलमान शहनाज को उनकी गाड़ी तक छोड़ने भी गए थे। वहीं एक इफ्तार पार्टी में शहनाज का शाहरुख खान के साथ भी अच्छा बॉन्ड दिखा था। दोनों का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ था, जिसमें दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और फिर बातें करते हैं। अब इन सब के बाद शहनाज ने सोशल मीडिया पर ऋतिक रोशन को लेकर पोस्ट किया है। शहनाज ने दरअसल ऋतिक रोशन के एक विज्ञापन का वीडियो शेयर किया। इस वीडियो को शेयर करने के साथ शहनाज ने लिखा, वाइब तेरी मेरी मिला दिया। इसके साथ शहनाज ने इमोजी का इस्तेमाल किया है, जिसमें आंखों में स्टार्स होते हैं। बता दें, ऋतिक ने जहां ये वीडियो शेयर किया है, वहां उनकी गर्लफ्रेंड सबा आजाद ने हार्ट और फायर इमोजी पोस्ट की है। शहनाज के बारे में बता दें कि वो जल्द ही फिल्म कभी ईद कभी दिवाली में नजर आने वाली हैं। इस फिल्म का ऑफर सलमान खान ने खुद उन्हें दिया था। कभी ईद कभी दिवाली के जरिए शहनाज का बॉलीवुड डेब्यू होगा और इसमें सलमान, शहनाज के अलावा पूजा हेगड़े लीड रोल में है। ऐसा कहा जा रहा था कि सलमान ने शहनाज को खुद अपनी फी फाइनल करने के लिए कहा था। उन्होंने शहनाज से कहा था कि उन्हें जितना सही लगता है उतनी फीस चार्ज कर सकती हैं। वहीं ऋतिक की पर्सनल लाइफ की बात करें तो वो जल्द ही फाइटर विक्रम वेधा में नजर आएंगे। फाइटर में ऋतिक के साथ दीपिका पादुकोण और अनिल कपूर लीड रोल में है। तो दोस्तों, आप कितने एक्साइटेड हैं अनिल कपूर, ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण को एक साथ बड़े पर्दे पर देखने के लिए? अपने विचार हमारे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़।